हमारे साथ क्रांतिकारी बलविंदर जी हैं। बलविंदर जी, एक बात बताइए, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आज आपकी वजह से पूरी दिल्ली जाम हुई पड़ी है, चारों तरफ त्राही त्राही हुई पड़ी है, तो अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अरे भाई, मैं सबसे पहले आपके विवेक क्रांतिकारी जय भीम, मेरी वजह से दिल्ली बंद नहीं हुई है। मैं रियलिटी बताऊँ, ये तमाम समाज के वो बुद्धिजीवी जो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं अपने गुरु घर को वापस लेना, वो तमाम सामाजिक संगठन जो सड़कों पर अपने गुरु घर को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जीत है। और वो लोग आज जा रहे हैं और इस सरकार को और इस प्रशासन को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दिल्ली जाम करके दिखा रहे हैं। जी, आगे क्या रणनीति रहेगी आप? अभी जा रहे हैं, हमने कहा था गुरु अपनी जो वो है जो गुरु जी की प्रतिमा है उसे हम स्थापित करें, उसके लिए अगर हमें जेल भी भरना पड़ा हम जेल भर देंगे। मैं कहां से आए हैं आप? मैं वैसे दिल्ली में रहता हूं, मगर हरियाणा से अभी हम आए हैं और भीमसेना समस्त भारत संगठन चलाते हैं ऑल इंडिया में, और हम भी इस मुहिम से जुड़े हैं कि संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज का जो पावन आश्रम है, जो मनुवादी व्यवस्था द्वारा तोड़ा गया है, उसको दोबारा से हम स्थापित करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे को इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े, हम गुरु घर को वहीं बनवा करके रहेंगे। और जैसे पता ही आपको कि अभी मुद्दा दूसरा भी चल रहा है कि दलितों का बोध विहार आगरा में भी तोड़ा जाता है, और फिर यहाँ पर भगवान जो हमारे संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज हैं उनका पावन धाम भी तोड़ दिया जाता है, तो ऐसी नेगेटिविटी नहीं सही जाएगी। और जो बीजेपी सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये कार्य हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे हमने SC ST एक्ट को बहाल किया था, वैसे ही हम गुरु घर को भी बनवा करके दिखाएंगे, और मनुवादी व्यवस्था को जो चोट उन्होंने हमारे दिल पे पहुंचाई है, वही चोट उनके पिछवाड़े पे भी हम पहुंचा करके दिखाएंगे। क्या कारण है कि धीरे जी बहुजन समाज के मंदिर को ही तोड़ा जाता है और मंदिरों को तरफ देखा भी नहीं जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर ही अभी कुछ दिनों पहले देवली पहाड़ी एक अंबेडकर विद्यापीठ है, जहां पर दिल्ली सरकार द्वारा उसको कब्जा करने का एक षड्यंत्र चलाया गया था, और उसके लिए भी दिल्ली के अंदर आंदोलन किया। उसके साथ ही साथ में पुरानी सीमापुरी पर एक वाल्मीकि जी का मंदिर है, उसको भी तोड़ने का इन्होंने प्लान बनाया था। और साथ ही साथ में अब देखिए कि 10 अगस्त को रविदास मंदिर को तोड़ दिया गया। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि धीरे धीरे इस देश के अंदर जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, वो बहुजन समाज में जन्मे महान पुरुषों की जो बहुजनों की धरोहर है उसको ध्वस्त करने का काम कर रही है। मैं इस तरीके से इसको देखने का अपना जो है नज़रिया रखता हूँ। और देख सकते हैं आप कि रविदास मंदिर जो 1509 में सिकंदर लोधी द्वारा दिया गया और तेजी से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और ये जो है जो हमारा मंदिर है संत रविदास गुरु स्थल जो है उसको तोड़ दिया गया। आप देखिए ऐसा क्यों होता है कि आदिवासियों से ही पूछा जाता है कि भाई जमीन का अपना प्रूफ दो कि जमीन कैसे है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि आदिवासियों के पुरखे वहाँ पे रहते आए हैं, लंबे अरसों से आए हैं, उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण करने का काम किया है? ये बताया जाता है कि मंदिर 600 साल पुराना था, जब तक MCD और दिल्ली सरकार वगैरह भी नहीं बनी थी तब से ये मंदिर है। मैं इसकी जानकारी दे दूं कि 1509 में सिकंदर लोधी द्वारा गुरु रविदास जी खुद यहाँ स्वयं अपने चरण स्पर्श कराए, यहाँ रहे, एक दो दिन रहे थे, वो चित्तौड़ की तरफ जा रहे थे तो वहाँ रुके गए, तो उनकी वाणी से प्रेरित होकर सिकंदर लोधी ने जो उनको गुरुदान में ये स्थल दिया था 1509 में, जिसका बकायदा फर्द में मेंशन भी है, खतौनी में मेंशन भी है। और मैं ये भी बता दूं कि DDA द्वारा जब कई बार पहले भी इसमें जो अपने एरिया को कवर किया गया, परंतु उन्होंने जो है इस एरिया को जो मंदिर का जो एरिया है तकरीबन 3 एकड़ का जो एरिया है उसको छोड़ने का काम किया। मैं DDA वालों से सवाल करता हूँ, यदि वो रविदास मंदिर सरकारी जमीन पर था तो फिर उन्होंने वो जमीन क्यों छोड़ी? इससे यह साबित, आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगामी रणनीति ये रहेगी कि आने वाले 21 अगस्त को दिल्ली के अंदर पूरा देश व्यापी आंदोलन होगा, जहाँ पर इस पूरे देश से लेवल पर लोग पहुँच रहे हैं और ये आह्वान करेंगे कि मंदिर वही बनेगा और गुरु रविदास का अपमान हम नहीं सहेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज के क्रांतिकारी युवा हैं। क्या कारण है कि बसपा कभी धरने प्रदर्शन में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन आज उसने भी धरने प्रदर्शन पर उतर के आना पड़ा? देखिए, किसी पार्टी संगठन या किसी समूह का कार्यक्रम नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये बहुजन समाज की आस्था का कार्यक्रम है, ये आंदोलन है। तो मुझे लगता है किसी पार्टी विशेष का हम नाम ना लें, हम सब बहुजनों की आस्था है, इसलिए हम लोग रहवर का घर बनाने की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह मनवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी तंत्र ने इस तरह के जो कृतज्ञ किया है, ये मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की सह पर किया है। आपने देखा 18 तारीख किस तरह ड्रामा किया उन्होंने राजनीतिक, मुझे लगता है ये हमारे जो महापुरुषों के ऊपर राजनीति करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट
अरुण मिश्रा इतना ही अगर ट्रांसपेरेंस है तो राम मंदिर पर अभी तक क्यों नहीं ले आए, उसमें क्यों मध्यस्थता की बात कर रहा है? तो राम मंदिर तो वहीं बनेगा, पर रविदासी मंदिर कहाँ बनेगा? देखिए, जिस तरह मुझे किसी भी राम या रावण के मंदिर से कोई परहेज नहीं है, हम सबकी भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन हम बहुजन के जो महापुरुषों का, जो संतों का, गुरुओं का अपमान हो रहा है, ये बहुजन समाज सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है, आंदोलित है और इसका अनिश्चितकालीन ये आंदोलन है, ये रुकने वाला नहीं जब तक सरकार झुकेगी नहीं, और हम झुका के रहेंगे। ये बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका आज उठा हुआ है। आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति साफ है, बहुजन समाज और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन सभी से मेरी एक ही अपील है कि आज ये लोग मंदिरों में घुसे हैं, कल आपके घरों में घुसेंगे और आपके इज्जत आबरू से खेलेंगे, तो उस दिन का इंतजार मत करिए। संविधान में लगातार छेड़छाड़ करके ये आपके हक अधिकार पैसे ही मार रहे हैं। ये वही दीपक मिश्रा का भाई है, अरुण मिश्रा, जिसने SC ST एक्ट को कमजोर किया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।